नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल कुलकर्णी, आपका होस्ट। आपका मेरे चैनल नॉलेज हब में स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, तो अभी हम आगे का देखेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक है साइट विजिट रिपोर्ट या फिर साइट विजिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। टेंडर प्रोसेस में NIT आने के बाद हम लोग टेंडर स्टडी करते हैं, फिर साइट विजिट कैसे, किधर साइट विजिट करना है, अपना लोकेशन क्या है, कहाँ पे उसका सिचुएशन है, कहाँ पे अप्रोच रोड है, वो सब देखना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है। साइट का लोकेशन, उसका अप्रोच रोड, उधर का स्ट्राटा, जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्राटा है, सराउंडिंग क्या है, वो उधर कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है क्या, क्योंकि सराउंडिंग में कोई है क्या, तो उधर का सर्फ का सिचुएशन को हम लोगों को देखना पड़ता है। इसलिए साइट विजिट करना बहुत ही ज़रूरी है। और उस लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर सराउंडिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम है, जाने का प्रॉब्लम है, न्यूसेंस है, तो वो सब कंसिडर करके हम लोगों को क्लाइंट को पूछना पड़ता है, कि प्रीबिड क्वेरीज में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो इसके लिए साइट विजिट करना ज़रूरी है। उसके साथ ही हम लोगों को एनालिसिस में भी वो साइट का लोकेशन का स्टडी करके कुछ पॉइंट्स तो कंसीडर करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को साइट विजिट करना ज़रूरी है। उधर जाके साइट पे जाके, लोकेशन पे जाके पूरा स्टडी करके उधर का एक साइट विजिट का रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उसका रिपोर्ट का अनुसार हम लोगों को अगर एनालिसिस में कुछ कंसिडर करना है तो देखना पड़ता है। तो इसलिए साइट विजिट करके उसका प्रॉपर साइट विजिट रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। तो साइट विजिट रिपोर्ट क्या है, हम कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा देखेंगे। तो दोस्तों, ये है एक साइट विजिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट। हम लोग जब भी टेंडर का साइट विजिट करते हैं, साइट देखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम साइट देख के साइट के फ़ोटोज़ निकालते हैं। अप्रोच रोड किधर है, स्पेस वगैरह किधर है, लेबर कैंप के लिए जगह है कि नहीं, पूरा आसपास में सराउंडिंग क्या है, पूरा इसका डिटेल सब फ़ोटोज़ निकालते हैं। उसके बाद हम लोग एक साइट विजिट जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको एक रिपोर्ट फॉर्मेट बताया है, वो हम देखेंगे अभी। पहले नेम ऑफ वर्क, वो साइट का जो भी टेंडर का नाम है वो हम डिटेल लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल सिविल वर्क्स इंक्लूडिंग पाइलिंग फॉर कोल ऑगमेंटेशन। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 50 CR है। प्री प्लेस ऑफ वर्क XYZ। प्लीज हाउ टू रीच द साइट बाय रोड। नियरेस्ट एलेट XYZ। साइट लेवल्ड है कि अनड्यूलेटेड है, तो वो अनड्यूलेटेड साइट है। उसके आसपास में छोटे छोटे पेड़ वगैरह है, बुशेस है। इसमें सॉइल स्टाटा वहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो स्टील का पूरा प्लेट्स वगैरह ऊपर में है, इसलिए कुछ मेंशन नहीं किया है। इसके बाद इधर लिखा है ये साइट क्लियर है कि ऑक्यूपाइड बाय एनी अनऑथराइज पर्सन, या फिर इलीगली कुछ ऑक्यूपाइड है या क्लियर है कि नहीं, तो इसमें क्लियर है। इसके पास लेबर कैंप्स के लिए प्लेस अवेलेबल है कि नहीं, तो स्पेस अवेलेबल नहीं है इसलिए नो बोला है। तो लेबर कैंप के लिए बाहर जगह ढूंढना पड़ेगा, साइट से बाहर जगह लेनी पड़ेगी। इसके बाद ओपन लैंड फॉर फैब्रिकेशन यार्ड, स्टील यार्ड, मटेरियल यार्ड, स्टोर, शटरिंग मटेरियल, सीमेंट गोडाउन, इसके लिए जगह अवेलेबल है कि नहीं, तो इसमें क्या लिखा है कि स्पेस दिया जा सकता है ऑफिस के लिए और स्टोर के लिए विद इन साइट प्रीमाइसेस, वो भी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्लाइंट को रिक्वेस्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को ऑफिस के लिए और स्टोर के लिए स्पेस मिल सकता है, बाकी जगह के लिए उसको बाहर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, साइट स्पेस के लोकेशन के बाहर, मतलब प्रीमाइसेस के बाहर। इसके बाद अवेलेबल वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ड्रिंकिंग, पीने का और कंस्ट्रक्शन का पानी अवेलेबल है कि नहीं, तो इसमें लिखा है कि अवेलेबल ऑन चार्जेबल बेसिस, मतलब पानी अवेलेबल है बट उसका चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लाइटिंग सोर्स, तो इसमें लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑन चार्जेबल बेसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है बट चार्जेबल बेसिस पे है, और सिंगल पॉइंट कनेक्शन दिया जा सकता है। अभी इसमें मेजर लोकल मटेरियल्स जो भी अवेलेबल है इस पास में, तो उनके रेट्स कुछ लिए हुए हैं उसका देखेंगे। रिवर सैंड दिया है 8,000 रुपये पर ब्रास। एग्रीगेट्स 10 mm 2700 रुपये पर ब्रास। एग्रीगेट 20 mm 2700 रुपये पर ब्रास। एग्रीगेट 40 mm 2700 रुपये पर ब्रास। क्रश सैंड है 3800 रुपये पर ब्रास। ब्रिक्स है 7400 पर 1000 नंबर, मतलब 7 रुपये 40 पैसा पर नंबर। इसके बाद लोकल लेबर रेट्स
अवेलेबल है क्या, वो साइट के आसपास अवेलेबल नहीं है लोकल लेवल्स पे, तो बाहर से ही सब कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों को लाना पड़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर को लाना पड़ेगा, इसलिए नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल लिखा है। इसके बाद लोकल हायर चार्जेस फॉर वेरियस इक्विपमेंट्स, मतलब मशीनरी उधर के लोकल कुछ है क्या, तो उसके लिए भी नॉट अवेलेबल ऐसा है क्योंकि उधर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद लोकल अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है क्या, तो उधर नाका लेबर अवेलेबल है जो मतलब एक स्पेस पे या एक कॉर्नर पे नाका पे अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है क्या, तो कुछ नहीं चल रहा है। और अगर ये अगर रोड का प्रोजेक्ट है तो हम लोगों को क्या देखना है, तो अवेलेबल एग्जिस्टिंग स्टोन क्वारीज, मतलब जो पत्थर की जो क्वारी रहती है वो अवेलेबल है कि नहीं, तो उसका कितना अवेलेबल है, तो कितना कैपेसिटी है, फिर उसका लीड डिस्टेंस क्या है, ये सब डिटेल चाहिए, उसका रेट क्या है सप्लाई का। इसके बाद लोकल प्रॉब्लम कुछ है क्या उधर या फिर आ सकते हैं क्या, उसके बारे में दिखना है। अगर और पाइपलाइन के टेस्टिंग के लिए अगर पानी लगता है तो क्या है, अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो कब कहाँ से मिल सकता है, ये अगर मतलब पाइपलाइन रोड का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए है। टाइप ऑफ सॉइल, वो पूरा शीट से कवर किया हुआ वर्थ एरिया है, इसलिए टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल स्टाटा वहाँ देखने को नहीं मिला, इसलिए नॉट अवेलेबल है। इसके बाद इसके लिए टाइप ऑफ सॉइल के लिए हम लोगों को मतलब फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोर होल लेना पड़ेगा, उसके बाद टेस्ट करके पता चलेगा। रेनफॉल पीरियड जून टू सेप्टेम्बर है, और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन आसपास में अवेलेबल है कि नहीं स्टाफ के लिए, तो अवेलेबल है उधर। इसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव प्रपोजल क्या है वो मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद अवेलेबल कन्वेंस, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह अवेलेबल है क्या, थ्री व्हीलर्स ऑटोस या फिर फोर व्हीलर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है क्या, तो इधर अवेलेबल है, ऑटो है बेस्ट है, इसके लिए अवेलेबल है उधर। इसके बाद प्रॉब्लम्स अगर कुछ है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर से तो कुछ है क्या, तो नहीं है। इसके बाद स्पेशल फाउंडेशन है क्या, पाइलिंग है, बेल सिंकिंग है, तो पाइलिंग फाउंडेशन उधर है तो इसलिए पाइलिंग मेंशन किया है। इसके बाद अवे एडिक्वेट पीस रेट कॉन्ट्रैक्टर उधर है क्या अवेलेबल, तो नॉट अवेलेबल। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर लेबर कैंप, तो कुछ कुछ साइट पर अवेलेबल रहते हैं लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को ओन अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। तो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन कैसा है, ओके ठीक है, तो एम्प्लॉयर का नियरेस्ट ऑफिस वो साइट से कितना दूर पे है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। और एम्प्लॉयर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो मेन पर्सन है वो प्रोजेक्ट देता है, उसका कितना डिस्टेंस पे ऑफिस है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। अभी हमने फॉर्मेट के हिसाब से देखा साइट विजिट इंफॉर्मेशन क्या क्या है, अवेलेबल है क्या, अवेलेबल नहीं है। तो अभी ये साइट विजिट से कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो हम देखेंगे। ये साइट है जेट्टी के पास लोकेटेड है, एकदम वेरी नियर टू जेट्टी। इसके बाद हमने जैसे भी साइट विजिट रिपोर्ट में बोला कि सॉइल स्टाटा, सॉइल टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को ट्रायल पिट लेना ज़रूरी है सॉइल स्टाटा के लिए। उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को उधर का जो भी यूटिलिटीज़ है वो यूटिलिटीज़ इधर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो कंस्ट्रक्शन के समय डैमेज ना हो सके। उसके बाद ऑल कॉन्ट्रैक्टर को सब सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के दरम्यान, क्योंकि वो बहुत ही मतलब थोड़ा डेडिकेटेड और ये और कॉन्ट्रैक्टर को पूरा वो कंस्ट्रक्शन करते समय सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह बाकी सब है। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को उसके हर स्टाफ का, लेबर का आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे रेशन कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर आधार कार्ड हो, वो लोग गेट पास वगैरह बनाते हैं उसके लिए, तो उसके लिए। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर को हर व्हीकल का, उनका जो भी मटेरियल सप्लाई करने के लिए आते हैं तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वो बीओक्यू में कुछ एक सेक्शन में लिखा है कि ब्रेकिंग सब कॉन्ट्रैक्टर को करना है एग्जिस्टिंग पाइल का। ये प्रोजेक्ट में कैसा है, एग्जिस्टिंग पाइल तोड़ करके या नया काम करना है,
तो एग्जिस्टिंग पाइल का पूरा ब्रेकिंग करना है, अंडरग्राउंड पाइल का ब्रेकिंग करना है, जिसका नंबर्स कॉन्ट्रैक्टर को भी मालूम नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि ये पूरा ब्रेक करना है और उसका स्टील जो भी है वो पूरा सिग्रेट करके कटिंग करके सेपरेट करना है और स्टोर यार्ड में जमा करना है। इसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्टर को एक स्पेस चाहिए स्टाइस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो उधर अवेलेबल नहीं है। वो रिक्वेस्ट करने के बाद सिर्फ ऑफिस का देंगे, स्टोर का देंगे, बाकी के लिए स्पेस चाहिए। और वो आरएमसी कॉन्ट्रैक्टर को आरएमसी जो आउटसाइड से ही मंगाना है, क्योंकि उधर बैचिंग प्लांट का लगाने का कुछ ये नहीं है, जगह भी नहीं है और क्वांटम भी उतना नहीं है। इसके बाद है लेबर कैंप के लिए ऊन अरेंजमेंट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो वेस्ट डिस्पोजेबल मटेरियल है वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर के ओन रिस्क में, और जो बीएमसी है मुंबई का टेंडर होने की वजह से बीएमसी के जो भी लोकेशंस है उधर डिस्पोज करना है, तो वो उधर साइट के आसपास एक्सकैवेटेड मटेरियल डिस्पोज नहीं करना है। पर इसके बाद ये एपीएच शेड जो भी है उसमें पूरा डिसमेंटल, इनर साइड का वॉल का डिसमेंटल करना है और नया वॉल बनाना है, तो नया रूफिंग भी बनाना है। तो ये एक थोड़ा क्रिटिकल और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसके बाद है ये पूरा कॉन्ट्रैक्टर को सेफ्टी मेजर्स के रिलेटेड डेब्रिज रिमूवल, लेबर अरेंजमेंट, यूटिलिटी शिफ्टिंग, डी वाटरिंग, गेट पासेस, मटेरियल परचेस फ्रॉम आउटसाइड, इसका जो भी टोटल कॉस्ट है इसका कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की तरफ से इसमें कुछ फैसिलिटी नहीं है। इसके बाद जो एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन, जो भी बिजनेस डेवलपमेंट ने दिया है वो बहुत ही कम लगता है कंसिडरिंग ये सब फैक्टर्स देख करके, क्योंकि वो डिसमेंटलिंग करना है, पूरा मटेरियल रिमूव करना है, उसके बाद नया कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए जो इस्टीमेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। तो इस जैसे छोटे काम करने के लिए अगर कोट करना है तो हम लोगों को कंफर्टेबल रेट कोट करना पड़ेगा, ताकि इसमें कुछ अपना नुकसान ना हो। और इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना रिस्ट्रिक्शंस है, गेट पास है, सिक्योरिटी है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर फ्री माइंड से काम नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। तो एक लिमिटेड स्टाफ, लिमिटेड वर्कर, लिमिटेड करके काम करना पड़ेगा, लेकिन फ्री माइंड से नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये साइट विजिट के सारे ऑब्जर्वेशंस है, तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग अपना हेड ऑफिस में दिखाते हैं, टेंडरिंग डिपार्टमेंट वगैरह, तो उसके बाद ही डिसाइड होता है कि वो टेंडर हम लोगों को करना है नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, कंफर्टेबल रेट में करना है या फिर कंपटीशन में करना है। तो ये सब रिपोर्ट बहुत ही मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है साइट विजिट रिपोर्ट। तो इसके हिसाब से आगे का पूरा प्लान होता है कि टेंडर कोटिंग करना है नहीं करना है, और जो भी कॉस्ट करने का एनालिसिस करने का तरीका कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो इसलिए साइट विजिट हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप कुछ भी आपको डाउट है ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल देखते रहिए। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।